हेलो फ्रेंड, नमस्कार, रानी प्रणाम। वीडियो स्टार्ट होता मैं रानी यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रानी व्लॉग्स में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है, इसी गर्मी में आम खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो आप लोग भी आम इस समय खूब खा रहे होंगे, सबके घरों में आम मिल रहा होगा। और कुछ लोग मार्केट से खरीद के खा रहे होंगे, तो कुछ लोग घरों का आम का आनंद उठा रहे हैं। इनके घर में पेड़ होगा वो घर के लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि मेरे बागवानी हाँ, आम। तो आज मैं आप लोग को अपने घर से तोड़ा हुआ ढेर सारा आम खिलाने के लिए आई हूँ। और जिसको जिसको आम खाना है गोरखपुर में आ जाइए और मेरे घर, क्योंकि मेरे घर बहुत ज़्यादा आम निकला है। मेरे घर आम का बागीचा भी है, उसमें से आम तोड़ के आया है। मेरे घर वाला तो आम पेड़ में ही लगा हुआ है, आप लोग देखे होंगे। जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे वो जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा आम का पेड़ है मेरे घर। तो वो सारा तो वहाँ मतलब लगा हुआ है, अभी उसको नहीं तोड़ा गया है, पेड़ों में ही है। लेकिन ये जो आम आया है ये बागीचे से तोड़ के आया है और बहुत ही अच्छा, घर के बगल में ही बागीचा है। ये तो आज इतना उसमें से पका हुआ निकला है, सिर्फ पका पका। ये आप लोग देखिए, ऐसे टच करने पर दब रहा है, सब ये पका हुआ आम है। और बाकी एक जो एक टोकरी जो है वो बिना पका हुआ है। अभी हम लोग डेली उसमें से 1 किलो आम डेली निकालते हैं। 1 किलो क्या मतलब, ये आप देख सकते हैं 1 किलो से ज़्यादा ही होगा, ऐसे डेली से पका पका निकल रहा है। तो आम का एंजॉय किया जा रहा है। अभी टोकरी इधर ला रहे हैं, हम आप लोग को दिखा रहे हैं, हमसे उठेगा नहीं, मेरे हस्बैंड उठा के लाएंगे, उठ जाएगा लेकिन वो हेल्प कर थोड़ा लेते आइएगा। ये देखिए, अरे पकने के लिए रखा गया है, ये देखिए। कार्बाइड से नहीं पकाया जा रहा, कार्बाइड से नहीं पकाया जा रहा है, डेली ऐसे ही पक जा रहा है। क्योंकि बारिश थोड़ा सा हुआ था बीच में, तो एक बारिश का पानी लगने के बाद यहाँ हाँ उठा ले। अरे हम बहुत स्ट्रांग नारी है तो आप लोग देख सकते हैं अब बाकायदा मैंने उठा दिया इसको, कोई कार्बाइड नहीं पड़ा, इसमें कोई कार्बाइड वगैरह नहीं पड़ा है कि पकाने के लिए इसमें कार्बाइड डाला जा रहा है, बस ऐसे ही रख दिया। हम लोग डेली पक के निकलता रहता है और सब लोग खाते रहते हैं। घर के बगल में हाँ बताया है कि बागीचे से बताया है कि घर के तो बागवानी तो है, घर का ही तो बागीचा है। दूसरे के बागीचे हमसे तोड़ के तो लाएगा नहीं कोई, अपने बागीचे से तोड़ के लाएगा, वो भी इतना सारा है। और तो जिसको जिसको खाना है आप लोग आ जाइए। और आप लोग का, आप लोग को बिना केमिकल वाला आम यहाँ मिलने वाला है और खाने के लिए आप लोग गोरखपुर आइए, गोरखपुर से इंजीनियरिंग कॉलेज जानते होंगे कूड़ाघाट, वहाँ आइए, उसके बाद मैं आप लोग को बुला लाऊंगी। पूरा एड्रेस मैं नहीं, पूरा कहाँ सो कर रही हूँ, बस थोड़ा बहुत बता रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को पिक कर लूंगी, आप लोग परेशान मत होइएगा। तो जिसको जिसको खाना है बिना केमिकल का आम हो तुरंत आइए। और आम के लिए पैसे भी नहीं लगेंगे, जिसको चाहिए वो भी संपर्क करें जिसको बिना केमिकल का आम चाहिए। बस इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बस यही। अरे ये तो दिखाए हैं पका हुआ, कितनी बार दिखाए हैं, तो मेरे हस्बैंड उसको तो दिखाए हैं कि इतना ये पका हुआ निकला था, इसको साइड हम लोग कर लिए हैं। और इसी से निकाल निकल के साइड किया जाता है, जो पक जाता है उसको खा लिया जाता है, फिर अगले दिन निकलता है फिर खाया जाता है। केमिकल से अच्छा है, इसीलिए मैं एक दिन वीडियो बनाई थी तो उसमें बोली थी पेड़ लगाइए, पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, पेड़ रहता है तो सारे फल भी मिलते हैं हम लोग को, प्लस ऑक्सीजन भी मिलता है। और आप लोग को तो पता है कि पेड़ पौधे कितने वरदायिनी होते हैं इंसान के जीवन के लिए, तो बस यही चीज़ है। और क्या, और कुछ नहीं। तो अब खाने के लिए आप लोग आ जाइए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा दिन तक ये नहीं चलने वाला है, 10 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा, फिर तो और पेड़ से निकल निकल के आएंगे बहुत सारे पेड़। हम लोग दो तीन महीने हम लोग को एक भी आम नहीं खरीदना पड़ता है, पूरा आम घर का ही मिलता है और शुद्ध मिलता है, खाते रहते हैं हम लोग गर्मी भर और इंजॉय करते हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं ज़्यादा नहीं खड़े होकर बकबक करूँगी। ब्रज, ये आप एक दोहा सुने होंगे, ब्रज कभी ना फल भके नदी न संचय ने परमारथ के कारण साधुन धरा सरे। तो ये सच है,
कि पेड़ जो है वो कभी अपना फल खुद नहीं खाते हैं और नदी भी अपना पानी खुद नहीं पीती है। तो यही चीज है, पेड़ वगैरह लगाने से वो हम ही को जीवन देते हैं। तो आप लोग खूब ढेर सारा पेड़ लगाइए, मेरा यही मोटो है, ये उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। और अब मैं अपने ब्लॉगिंग को यहीं पे करती हूँ ख़त्म। और आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। जो भी मेरा नया वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। ओके, बाय गाइस, टेक केयर, गर्मी से आप लोग बचिए।